जय बाबा की भक्तों, वेलकम टू माय चैनल त्रिलोक भारती रेवली धाम। आज मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं रेवली धाम पर गई और काला पंडित जी से बाबा जी के बारे में चर्चा की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने काला पंडित जी से पूछा कि भगत जी, आप बाबा जी को क्या मानते हैं। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, बाबा जी एक महान आत्मा है, बाबा जी परमात्मा है, हम सब साधारण आत्मा हैं, इसीलिए हम बाबा को परमात्मा मानते हैं। बाबा जी सबके स्वामी हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर है, ऐसा बाबा जी की आरती में भी कहा गया है। बाबा जी परम दयालु हैं, दुख हरता हैं, भक्तों के भगवान हैं। जैसा कि हम सुनते थे कि ईश्वर कण कण में विराजमान है, बाबा जी वही ईश्वर है। शिव का अवतारी न कहकर साक्षात शिव कहे तो उचित होगा। बाबा जी इस कलयुग के तारक ब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण गुरु है। तारक ब्रह्म का अर्थ है भूत प्रेत, मानसिक व्याधि, शारीरिक कष्ट, इनसे छुटकारा दिलाना तो मामूली बात है। बाबा जी भव बंधन अर्थात आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाने वाले सदगुरु भगवान हैं। इसमें कोई संशय नहीं, जो ऐसा नहीं मानते वे नादान हैं। फिर मैंने पूछा, आप ऐसा कैसे मानते हैं कि बाबा पूर्ण गुरु हैं और मोक्ष प्रदान कराने वाले हैं, मुझे और भक्तों को इसमें संशय है, बताइए। तो काला पंडित जी ने उत्तर देते हुए कहा, बाबा जी जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा अद्वैत मत के अनुसार 10 नाम अखाड़ा की जो स्थापना की गई थी, उसके अंतर्गत 10 नाम में गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, आनंद, तीर्थ आदि के अंतर्गत भारती शाखा के महान संत हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने संदेश दिया कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, अर्थात यह संसार मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। अद्वैत मत में गुरु शिष्य परंपरा को उत्तम माना है, जिसमें साधक मोह माया से विरक्त होकर गुरु साधना में जुट जाता है। गुरु सेवा, ईश्वर प्राप्ति, जन कल्याण के लिए साधक का जीवन समर्पित होता है। अद्वैत मत के अनुसार बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज पूर्णता को प्राप्त हुए। जो पूर्ण है उन्हीं में प्रकट होने का सामर्थ्य होता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि जीव ही ब्रह्म है, इसीलिए बाबा जी को पूर्ण ब्रह्म कहना गलत नहीं होगा और पूर्ण ब्रह्म ही पूर्ण गुरु होता है। फिर मैंने पूछा, भगत जी आप ये बताएं कि आपने बाबा त्रिलोक भारती को कब गुरु माना। फिर भगत जी ने बताया कि मैं पहली बार 2015 सावन के महीने में सजाड़ा धाम आया था। परिवार में बहुत परेशानियां थी, संकट, पेशी आना, धन की कमी आम बात थी। सभी प्रकार की पूजा पाठ, व्रत, कथा, तीर्थ यात्रा, यानी कि सभी प्रकार के उपाय किए, यहाँ तक कि मंदिर बनवाना, पाठशाला बनवाना, बाग लगाना, सभी प्रकार के उपाय किए, परंतु परेशानी बढ़ती ही। इस संसार में कोई मनुष्य, साधु, संत, डेरे सत्संगों में भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो महज बीमारी को ही बता दे, उपाय करना तो दूर की बात थी। तब हिंदू सनातन धर्म से विश्वास उठ गया, देवी देवता में किसी प्रकार की कोई श्रद्धा न रही, ऐसा लगने लगा कि ईश्वर नहीं है। ये पूजा पाठ आदि सनातन के कर्मकांड बिल्कुल झूठ लगने लगे, कोई दम नहीं है, महज एक पाखंड है, कथावाचक कथा के सहारे, पंडित पोथी के सहारे, ज्योतिषी ज्योतिष के सहारे, साधु भगवा श्वेत पीत नीला काले वस्त्रों के सहारे, पंडे गंगा यमुना के सहारे, पाखंडी भूतों के सहारे, सनातनी सदा के सहारे, पुरातन पुराणों के सहारे, आर्य वेदों के सहारे, विद्वान यज्ञ के सहारे, अर्थात अन्य सभी पेट गुजारा ही करते पाए गए। तब जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, सजाड़ा धाम का पता चला। वहीं से हमारी बंद किस्मत के दरवाजे खुल गए और बाबा जी के द्वारा हमारे संशय दूर होने लगे। फिर हमने बाबा को गुरु माना, सभी प्रकार के भक्ति कर्म छोड़कर बाबा में पूर्ण श्रद्धा व्यक्त की और बाबा के सामने समर्पण किया। उसी दिन से बाबा हमारे इष्ट और सदगुरु भगवान हैं। फिर मैंने पूछा, जब आपने सभी देवी देवताओं अर्थात सबकी भक्ति छोड़ी, तब आपको डर नहीं लगा। फिर काला पंडित जी ने कहा,
जब हमारा हिंदू सनातन से ही विश्वास उठ गया था तो फिर देवी देवताओं से भय कैसा, क्योंकि हमने अपने सामर्थ्य से भी ज़्यादा अनुष्ठान, यज्ञ, देव पूजा आदि कर्म किए और समस्या बढ़ती गई। फिर कैसा भय, जब बाबा जी ने शंकाओं का समाधान किया तो बाबा जी में श्रद्धा और विश्वास इतना हो गया कि भय नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। अब डर भूत प्रेतों देवताओं से नहीं लगता, बल्कि अंधविश्वासियों और पाखंडियों से लगता है। हमारे हिंदू सनातन को पाखंडियों ने इस कदर घेर लिया है जैसे वही हिंदू सनातन के ठेकेदार हैं। ज्ञान बिल्कुल भी नहीं और बनते हैं महाज्ञानी, शिष्य भी नहीं बनना जानते बन गए गुरु। बात को सुनने का सामर्थ्य नहीं बनते वक्ता हैं, बैठना नहीं जानते बनते हैं साधक, भजना नहीं जानते बनते हैं भगत। समय की यही विडंबना है, एकमात्र बाबा जी ही ऐसे महान संत हैं, गुरु है, भगवान है, जो इस कलयुग में हमारी रक्षा ही नहीं अपितु भवबंधन से अर्थात संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। और इसके अलावा हमारी नज़रों में ऐसा कोई दूसरा नहीं है, बाबा जी अद्वितीय है। फिर मैंने पूछा, भगत जी क्या आप अब भी सजाड़ा धाम जाते हैं? उन्होंने कहा, हाँ हम सब सजाड़ा धाम हर पूर्णमासी पर जाते हैं और कई बार तो महीने में दो बार भी जाते हैं। दो दो चार चार महीने भी मैं वहाँ रुकता हूँ। गुरु श्रेष्ठ, गुरु स्थान सर्वश्रेष्ठ, वहाँ का तो जीवन पर्यंत हमारा नाता बना रहेगा। जन्म भूमि से भी बढ़कर गुरु उपदेश भूमि होती है। अंत में मैंने पूछा, भगत जी आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहोगे? उन्होंने कहा, मैं सभी भक्तों को संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा के बताए हुए मार्ग पर चले। बाबा हमें यही प्रेरणा देता है कि गुरु शिष्य परंपरा श्रेष्ठ परंपरा है। शास्त्रों में भी हमें ऐसे व्याख्यान मिलते हैं कि गुरु ही सर्वोपरि है। भगवान शंकराचार्य अपनी अंतिम पवित्र पुस्तक विवेक चूड़ामणि में सभी मनुष्य को प्रेरणा देते हैं कि सर्वप्रथम गुरु भक्ति है। गुरु हमें भव बंधन से मुक्त कर सकते हैं। करोड़ों जन्मों तक देव आदि भक्ति कर्मकांड आदि से हमें संकटों से मुक्ति नहीं मिल सकती। एकमात्र उपाय गुरु भक्ति ईश्वर भक्ति ही है। जय बाबा की, जय गुरु।